अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत राहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जामनेर शहरातील गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टचे प्रमुख श्री श्याम चैतन्यजी महाराज यांच्या वतीने कलर्स संगीत अकॅडमी येथे पत्रकार दिनाचे औचित्य साधून सर्व पत्रकार बांधवांचा सत्कार करण्यात आला। यावेळी त्यांनी सर्व पत्रकार बांधवांना सन्मान चिन्ह देऊन शुभेच्छा दिल्या। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। आज सर्व म्हणजे आनंद ह्या गोष्टीचा आहे की लोकशाहीचा चौथा स्तंभ जो आमच्या सर्वांच्या समोर या ठिकाणी स्थानापन्न झालेला आहे असे आम्ही सर्व पत्रकार बांधव सर्वप्रथम मी गुरुदेव सेवा आश्रमतर्फे हार्दिक स्वागत करतो। कारण म्हणतात ना की लोकशाहीला आकार देणारा जर का कोणतं तत्व आपल्या या भारतामध्ये असेल तर तो आज पत्रकार आहे। आणि लोकशाही टिकवण्यामागे खरी भूमिका आज पत्रकारांची आपण त्या ठिकाणी समाजमध्ये बघत असतो। चार ओळींमध्ये जर का तुमच्या जीवनाचं जर का चित्र या ठिकाणी रेखाटायचं झालं तर मी त्या ठिकाणी सांगू शकतो की पत्रकार हूँ संवेदना लिखता हूँ, पत्रकार हूँ संवेदना लिखता हूँ, कभी दर्द तो कभी सच लिखता हूँ, फिर भी कई बार शोषित रहता हूँ, फिर भी कई बार शोषित रहता हूँ, कई बार अवहेलना भी झेलता हूँ, पत्रकार हूँ संवेदना लिखता हूँ, तुम्हारी चाहत की कलम खिलाता हूँ, कभी रेसिपी तो कभी सुंदरता बटोरता हूँ, कभी आतंकियों तो कभी आंदोलनों से गुजरता हूँ, थप्पड़ तो कभी धक्के खाता हूँ, पत्रकार हूँ संवेदना लिखता हूँ, राजनीति लिखता हूँ रणनीति बन जाता हूँ, राजनीति लिखता हूँ रणनीति बन जाता हूँ, सच की छलनी परोसता हूँ, कभी दस्तावेजों पे तो कभी चौराहे पर कुचला जाता हूँ, पत्रकार हूँ संवेदना लिखता हूँ। आज आपण पत्रकारांची भूमिका जर का बघितली तर ती खरोखरच आपल्याला ह्या कवितेद्वारे जसं आपण मानण्याचा प्रयत्न करतोय त्याप्रमाणे बनलेली आहे। पण तरीसुद्धा तुमची निर्भीडता आणि तुमची न्यायासाठी असणारी अस्खलिता आम्हा सर्वांना कधीतरी एक प्रेरणा देऊन जाते। त्याच अनुषंगाने आज गुरुदेव सेवा आश्रमतर्फे आदरणीय आमचे गुरु श्री श्यामचंद्रजी महाराज यांच्या अभिवादनाने आणि यांच्या प्रेरणेतून आम्ही आज हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। सन्मान करण्याची योजना तर हा पत्रकारांचा सन्मान करण्याचा जो सोहळा आहे हा म्हणजे आम्ही आमच्या बाजूने करू शकतो असं काहीतरी एक काम की जेणेकरून पत्रकारांचा सन्मान केला जाईल याप्रमाणे यासाठी आज एक सन्मान चिन्ह जे आहे ते गुरुदेव सेवा आश्रमतर्फे पूज्य बापूजींच्या हस्ते आज वाटप होणार आहे आणि ते पत्रकार बांधवांनो आता जवळपास सगळं बोलून झालं। आपले निलेश चव्हाण सर यांनी म्हणजे इत्यंभूत उपमा आपल्याला दिल्या। आपलं रडगरार नेहमी काय असतं ते कवितेतून सांगितलं आणि इतकं म्हणजे मर्मदार त्यांनी ते चार ओळी आपल्याला वाचून दाखवल्या। खरंच आपल्या जीवनात काय काय अडचणी येतात त्या आपण कशा आनंदात व्यक्त करतो ते सर्व त्यांनी मांडलं। परंतु असो गुरुदेव सेवा आश्रमातर्फे आपणा सर्व पत्रकारांचा सत्कार घडवून आणत आहात त्याबद्दल महाराजांचे ऋण आपल्यावर आहेच। महाराज अनेकदा बोलवतात परंतु आता आपणातून कोणी मीच जास्त तिकडे जात नाही म्हणून महाराज म्हणतात बा तिकडे येणार का नाही कोणी म्हणजे बऱ्याच वेळा महाराज मला फोन करतात सुवास गोवी करतात मी म्हणजे जातच नाही जवळपास गेलोच नाही आहे। त्यांचा रोष हा योग्य आहे आणि आपले
क्लासरूमचे शिक्षक पवार सर यांनी सहकार्य केलं आपल्या सत्काराला, त्याबद्दल त्यांचे आभार मानतो. म्हणजे मी माझ्याकडून अजून तर भाषण राहील आमच्या महाराजांची. महाराजांबद्दल काय सांगायचं बाबा, महाराजांनी छोट्याशा कुटियावर त्यांचं जे जनतेसाठी जे करतायत, होळीचा कार्यक्रम असो, दसऱ्याचा कार्यक्रम असो, अनेक उपक्रम ते जनतेसाठीच राबवतात, अनेक आध्यात्मिक संदेश देतात आपल्याला. त्यांच्याबद्दल जेवढं सांगलं तेवढं कमीच आहे. एवढे एवढ्या कमी वयात त्यांनी संन्यास धारण केला, त्याबद्दल ते आपणासाठी देवाच्या रूपातच आहे. एवढे बोलून मी माझे आमचे मार्गदर्शक आध्यात्मिक गुरु श्याम चैतन्यजी महाराज, त्यासोबतच ज्येष्ठ पत्रकार आमचे सुरेशदादा महाजन, आमचे मोठे बंधू राजनकर दादा आणि उपस्थित पत्रकार बंधू आणि भगिनींना, कारण की आपल्यामध्ये भगिनींचा सहभाग हा झालेला आहे आणि जामनेर तालुक्याची पत्रकारिता ही निर्णायक टप्प्यावर येऊन पोचलेली आहे असं मी म्हणेन. तर आजच्या सन्मान सोहळ्याला गुरुदेव ज्या दरवर्षी सालाबादप्रमाणे आपला सन्मान करतात, तर त्यांचा आभार आणि गुरुदेवांचा मार्गदर्शन आशीर्वाद नेहमी असतो, असाच आशीर्वाद मार्गदर्शन त्यांनी ठेवावं एवढं बोलून दोन शब्द संपवतो. ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णू गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. जय गुरुदेव की श्री चरणों में वंदन करते हुए जिनकी प्रेरणा से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ, ब्रह्मलीन परम पूज्य संत से लक्ष्मी चैतन्य गुरु से इनका कृपा आशीर्वाद से ही आज मेरे जीवन में जो भी कुछ अच्छा कार्य चल रहा है उनका कृपा प्रसाद है. प्रिय बंधु, 6 जनवरी पत्रकार दिन के उपलक्ष्य में एक छोटा सा सत्कार का ये जो मैंने नियोजन किया, इसके पीछे मेरा इतना ही हेतु है कि जितने मेरे पत्रकार बंधु हैं उनसे मेरा संबंध बना रहे, उनकी मेरे एक प्रेम बना रहे. ये सत्कार तो आपका कहीं लोग करते रहते हैं, मैं तो बहुत छोटा सा सत्कार कर रहा हूँ, लेकिन प्रिय बंधुओं ये जो पत्रकारिता है इसका मजकूर एक अच्छा पैराग्राफ यदि मिल जाए किसी को पढ़ने के लिए, वो बहुत वाचक का अनुभव का ठहराता है. कई जगह हम देख रहे हैं कि पत्रकारिता में कुछ कुछ ऐसे लेख आते हैं तो कोई अधिकारी नहीं सुनता है तो उसके कारण उनको बताया जाता है कि नहीं ये पेपर में ही न्यूज़ आने लिया है. आप लोगों पर इतना लोगों का विश्वास है. आज जो अपन बोलते हैं कि पत्रकारिता है आज चौथा आधार स्तंभ है, क्यों बोला जाता है? प्रशासन हो, आध्यात्मिक हो, गलत कार्य हो, अच्छे कार्य हो, ये निखारने का काम आप लोग करते हो. और ये सर्विस टू मैन, सर्विस टू गॉड, आपने मैंने 10वीं पढ़ा था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है. पत्रकारिता के माध्यम से भी आप जो एक सामाजिक सेवा कर रहे हो ये भी ईश्वर सेवा है. हर एक ऐसा कुछ नहीं कि आप मंदिर में गए तो ही आपको पुण्य मिलेगा या मंदिर में जाके कुछ प्रसाद चढ़ा दिया तो ही प्रसाद मिलेगा. हर एक व्यक्ति ने अपना दिया हुआ कर्तव्य 100% यदि अपन ने किया तो वो आपकी पूजा हो गई. कहा जाता है ना कि भाई अपने से अच्छा नहीं होता हो तो बुरा न करे. मैं मेरे सत्संग में कहा करता हूँ कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना छोड़ दो, भला किसी का कर न सको तो बुरा करना छोड़ दो. यदि अपने से अच्छा नहीं होता तो हमने बुरा न करे. और पत्रकारिता के बारे में तो सब लोगों का बड़ा विश्वास बना हुआ है, तो आप लोगों का एक छोटा सा लेख बहुत बड़ा कार्य कर सकता है. और पत्रकार के दिन मेरे जांबेकर साहब ने तो इतना अच्छा काम किया है, हमारे नीलेश सर ने तो बहुत सुंदर आपको कह दिया. और अपने को बहुत ज़्यादा कुछ बातें कुछ करने के लिए मैं आपके पास नहीं आया हूँ, लेकिन लगा कि चलो मेरे परिवार के साथ में मैं थोड़ा सा दो शब्द बोलूँ, क्योंकि मैं अधिकार से मेरा कोई प्रोग्राम होता है तो मैं एक न्यूज बना के डाल देता हूँ कि भाई ये थोड़ी न्यूज लगा देना. फिर मेरा भी कर्तव्य होता है कि मैं एक प्यार से उनके साथ बैठ कर एक फूल नहीं तो फूल की पाकड़ी जो अपन बोलते हैं उतना सा सत्कार करने के लिए क्या बड़ी बात है. और आज विशेष आनंद ये हुआ कि हमारे सुहास भाई है, अपना गुरुभाव है, उन्होंने कहा कि बापू महाराज अगले साल हम प्रोग्राम आश्रम में करेंगे, तो ताली बजाकर अपन ने सबना उनका आदर, क्योंकि
वो थोड़ा ज्यादा आनंद लगेगा मुझे, फिर अपन उसको दिन में कर सकते, शाम में करने से कर सकते, आपका नियोजन जैसा भी हो मुझे दो चार दिन पहले बताइए, हम आपकी सेवा में है ही। तो बंधुओं, अधिक न बोलते हुए मैं इतना ही निवेदन करूँगा कि समाज में काफ़ी कुछ अच्छे कार्य चल रहे हैं, गरीब जनता तक कुछ कुछ बातें नहीं पहुँचती है, तो गरीब जनताओं को आपकी तरफ से उनको न्याय मिले, मैं आपसे अपेक्षा करूँगा। कि काफ़ी लोग मेरे पास में आते हैं कि बापू थोड़ा ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, पुलिस डिपार्टमेंट हो, तहसील ऑफिस हो, कुछ कुछ बातें उनको नहीं पता होता है, और आप लोग ऐसे माध्यम है कि आप घर घर तक पहुँच जाते हो। आज की तारीख में व्हाट्सएप की वजह से, फेसबुक की वजह से ये इतना बड़ा मीडिया हो गया कि काफ़ी कुछ लोगों के घर तक ये सब बातें पहुंच रही है। और मैं जामनेर में हमारी महिला पत्रकार भी तैयार हुई है, रिपोर्टर उनका भी देखता हूँ कि कहीं पे कैसे कैसे जाके वो रिपोर्ट लेती है, देती है, तो उनका भी एक ताली बजाकर हमने अभिनंदन करना चाहिए, उनका भी अभिनंदन करना चाहिए। मेरी गुरुदेव सेवा आश्रम की जो सेवा कार्य है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वृक्षारोपण है, व्यसन मुक्ति है, गीता रामायण सत्संग समारोह है, स्वच्छता अभियान है, ये सारे सेवा कार्य जो आप समाज तक पहुंचाने का काम करते हो, इसके लिए मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद दूंगा। कई बार होता है कोई पेपर में आता है, कोई पेपर में नहीं आता है, कोई बात नहीं है, सभी एक समय आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर भी आपकी कुछ प्रॉब्लम होते हैं। तो बस अपेक्षा इतना ही रखूंगा कि मेरी अच्छी बात आपसे जहाँ जहाँ तक हो सके समाज तक पहुँचाने का कार्य करे, मेरा कुछ गलत होता हो तो मुझे बैठ कर समझाए कि महाराज आप थोड़ा सा आपका ट्रैक कुछ तो भी थोड़ा आपको ऐसा ऐसा दिख रहा है, तो आपका अधिकार है, मैं आपका फैमिली मेम्बर हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे प्रसन्नता है कि आज आपने इतना सारा समय निकाल कर मेरी दो शब्दों को सम्मान देकर आप यहाँ पहुँचे, इसलिए आपको हृदय से धन्यवाद। दूसरी बात, संदीप सर पवार सर जो एकेडमी चलाते हैं, उन्होंने भी तुरंत ये सेवा के लिए मुझे हाल दिया। नीलेश सर इधर उधर से कहाँ गए थे, तुरंत भागे दौड़े चले आए। और मेरे सारे सब, अभी व्यक्तिगत किसी का नाम लो तो थोड़ा सा अलग लगेगा, लेकिन मेरे चाहे टीवी चैनल वाले हो, पत्रकार बंधु हो, उनका बड़ा सपोर्ट रहता है, तो मैं हृदय से आप सभी को धन्यवाद दूंगा। दूसरी बात, कल मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका परिवार मीठा मीठा हमेशा के लिए बना रहे, आपका पत्रकारिता का जो पूरा परिवार है वो भी आपकी एकता, आपका प्रेम एक दूसरे में पूरा पूरा मीठा बना रहे, यही मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित सर्व जामनेर तालुक्यातील पत्रकार बांधव तसंच मीडिया, गुरुदेव सेवाश्रम ट्रस्टच्या वतीने पत्रकार बांधवांचा हा सन्मान सोहळा 6 जानेवारीच्या दिवशी शक्य नव्हता, म्हणून आज 14 तारखेला तो आयोजित करण्यात आलेला होता। बापूजींच्या वतीने सर्व जामनेरातील महिला तसेच पुरुष सर्व पत्रकार बांधवांचा सत्कार या ठिकाणी करण्यात आला, त्याबद्दल गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टच्या वतीने उपस्थित सर्व कलाकार, आपले पत्रकार बांधव तसेच महिला, आलेले इतर उपस्थित आमचे बंधू भगिनी सर्वांचं मी गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टच्या वतीने व कला संगीत विद्यालयाच्या वतीने खूप खूप मनपूर्वक आभार मानतो। आयुर्वेदांचा पण आपण कार्यक्रम घेणार आहे, ते पण लवकर लवकर आयुर्वेदांचा, हां हां हां, ते पण आपल्या गुरुदेव सेवा आश्रम ट्रस्टच्या वतीने लवकरच एक अवयव दानाचा अतिशय उत्कृष्ट असा कार्यक्रम आपल्या आश्रमामध्ये करण्याचा आयोजित करण्यात आलेला आहे। आपणा सर्वांना उद्याच्या मकर संक्रांतीच्या व आजचा कार्यक्रम आपला संपला बापूजींच्या अनुमतीने असा जाहीर करतो। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।